नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं प्रियंका। मध्य प्रदेश में पूरे 12 दिन राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करेंगी और पूरे परिवार के साथ यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। तो इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिसमें मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हो सकती है। एमपी में पूरे 12 दिन राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करेंगी और पूरे परिवार के साथ यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। और इससे पहले आपको बताएं कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और इस दौरान मध्य प्रदेश में जैसे ही राहुल गांधी पहुंचेंगे तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी इस दौरान पहुंच सकती हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या अभी तक और जानकारी मिल रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि राहुल गांधी तो पहुंच ही रहे हैं लेकिन उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी इस दौरान अपने परिवार के साथ पहुंच सकती हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब से एक दो दिन बाद ही बुरहानपुर पहुंचेंगे, जहां से उनकी भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू होगी। और प्रियंका गांधी को लेकर भी ये खबर सामने आ रही है कि वो भी अपने परिवार के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहेंगी और तकरीबन 2-4 दिन वो भी मध्य प्रदेश में रहेंगी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का अब तक का सबसे प्रमुख अपडेट है कि इस यात्रा में एक तरह से गांधी परिवार ही जो है वो शामिल हो रहा है। राहुल गांधी तो आ ही रहे हैं मगर प्रियंका गांधी भी अपने परिवार के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए आएगी। शुभम, लेकिन इसके सियासी मायने क्या माने जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही हैं, उत्तर प्रदेश का जिम्मा प्रियंका गांधी के कंधों पर था, हालांकि नतीजे जो है उस तरीके से सामने नहीं निकल कर आए, लेकिन अब मध्य प्रदेश के अंदर कितना बड़ा ये संकेत देने की कोशिश है, कितना बड़ा ये संदेश देने की कोशिश है? देखिए, सियासी मायनों की अगर आप बात करेंगे तो 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। अब 2022 तो आप देखिए कि नवंबर दिसंबर माह खत्म ही हो रहा है, तो अब कुल मिलाकर 7-8 महीनों का समय ही दोनों दलों के पास बचा है। और ऐसे में 2018 में हमने देखा था किस तरह से राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते थे, राहुल गांधी जहां पर भी जा रहे थे रोड शो कर रहे थे, तकरीबन 7-8 रोड शो उन्होंने किए थे जिसमें कांग्रेस के सभी नेता होते थे। तो फोकस यहां पर राहुल गांधी का मध्य प्रदेश भी एक तरह से है। और प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो ये चीज हमने देखी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह से उन्होंने कैंपेन किया हाल ही में, बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ सीधे कनेक्ट भी प्रियंका गांधी का बना रहता है। और मध्य प्रदेश के कई ऐसे नेता हैं जो कि प्रियंका गांधी के संपर्क में भी रहते हैं और इसलिए उनका इस दौरान आना बड़े मायने में खास माना जा रहा है। शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उमंग सिंगार पर नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट भी सामने आया है और नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी से सवाल पूछे हैं। प्रियंका जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, कांग्रेस पार्टी में महिलाएं असुरक्षित हैं, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से आरोप लगाया गया। कांग्रेस का पाप सामने आता है तो प्रियंका आंख बंद कर लेती हैं, नरोत्तम मिश्रा का आरोप है। कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी है पीड़िता, नरोत्तम मिश्रा ने बाकायदा एक ट्वीट किया है। और शुभम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, ये जो बयान है ये सियासी मायनों में भी बेहद खास है और क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसको लेकर के सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है इस मामले पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जैसे ही उमंग सिंगार का ये मामला सामने आया, सबसे शुरुआत में यही खबर आई कि उनकी पत्नी ने उन पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके कुछ ही देर बाद उमंग सिंगार का एक पत्र आया जिसमें ये कहा गया कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था और 10 करोड़ रुपए तक की मांग और उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने की भी बात सामने आ रही थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब सुबह पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जब शाम को ये चीज में निकल कर आई कि जो महिला है वो कांग्रेस की ही एक वर्कर है और यूथ कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद पर है, उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि वो तो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी से सीधे सीधे उन्होंने सवाल किए कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, कि आप बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और ऐसे में अपनी ही पार्टी में आप ही के नेता द्वारा अगर इस तरह की बात सामने आ रही है तो फिर क्यों नहीं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई। और इसीलिए प्रियंका गांधी के आने को लेकर जब चर्चाएं तेज हो चली हैं तो दूसरी तरफ इसी यात्रा को लेकर प्रियंका गांधी को लेकर के सवाल